और देखो ना मेरा ऑयल भी है ना एकदम साफ सुथरा ही होगा, एकदम क्लीन। कोई कहता ना कि गुजरात के अंदर या इंडिया के अंदर काम नहीं है तो वो गलत बात है, क्योंकि हर इंसान अगर चाहे ना तो जितना कमाना है वो कमा सकता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कंप्यूटर बेस्ड इंग्लिश मीडियम के साथ मैंने एजुकेशन लिया है, फिर भी मैंने यहाँ शर्म नहीं रखी, क्योंकि मैं प्लेट उठाता हूँ, साफ करता हूँ, हर एक चीज़ करनी चाहिए। बाहर के राज्य का बंदा यहाँ आके 5 साल या 10 साल के अंदर खुद का मकान गाड़ी ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते। हाँ, सही बात, ये मेरी सोच हर बार रही है कि अगर बाहर का बंदा कहीं किसे भी आए तो लैंग्वेज का बैरियर भी रहता है, लैंग्वेज का भी उनको प्रॉब्लम रहता है, फिर भी वो सर्वाइव करके आगे जा सकते हैं, तो हम तो खुद के यहाँ के गुजरात के लोग क्यों नहीं कर सकते। ज्यादा मेरा भाषण हो गया हो तो सॉरी, पर मैं चीज मानता हूँ कि अगर किसी भी चीज को दिल से किया गया तो वो 100% सक्सेस होती है। तीनों कायनात उसे तुम्हें मिलाने में मजबूर कर देती है। वो गायत्री मंदिर के बगल में स्टार्ट किया था, करीबन 8-9 महीने तक तो ऐसे ही बिना धंधा किए स्टार्ट रखा। मेरी एक जॉब चलती है, फिर भी मैंने बीच में कहीं ना कहीं गैप निकाल के, जब मेरी मान लो कि आज कोई वीक ऑफ है या कंपनी में ऑफ है, उसी दिन पे मैंने पूरे गुजरात में के राजकोट है, जूनागढ़ है, विरमगाम है, मतलब गुजरात के जो जो फेमस गांव है वहाँ सारे जगह जाके मैंने सारे टेस्ट चेक किए। गर्मी की सीजन के अंदर इसके अंदर आम आ जाएगा, मतलब कच्ची केरी का अंदर से मिक्स कर दूंगा, उसकी वजह से ना थोड़ा टेस्ट अलग हो जाएगा। तो जिस हिसाब से लोगों को चाहिए ना उस हिसाब से मैं निकलता रहता हूँ टेस्ट, क्योंकि ये चीज मैं, मेरा परिवार भी खाता है, मेरे मदर फादर भी खाते है और सारा कस्टमर खाता है। मैं मीडिया में हूँ और ये चीजें ना रिपोर्टर के गांठिया के नाम से ही जानी जाती है। अच्छा, रिपोर्टर के गांठिया, मतलब रिपोर्टर ना गांठिया, इस हिसाब से लोग जानते हैं। आपने 3 वस्तु એની અંદર એડ કરી છે, મે મીઠું છે, અજમો છે અને મરી છે। મરી ની અંદર હે ને કાળા મરી નો ભૂકો છે। જનરલી સબ લોગ જો હે ના વો સબ અંદર ડાલ દેતે, મે બહાર સે ડાલતા હું। અચ્છા, બહાર સે ડાલતા। હા, વો તો જેસે લોગો કી રિક્વાયરમેન્ટ હે ઉસ હિસાબ સે। કિસી કો બ્લેક પેપર કે બગર ભી ખાના હોતા હે। હા, બગર મરી વાલે ભી ખાના હોતા હે। નહીં, મેરે પાસ ઓર 2-3 ફ્લેવર હે, જેસે હે જીરા કા હે, ફિર હે મેથી કા હે। અચ્છા, ઇસ હિસાબ સે હે અલગ અલગ। तो भाई आज हम आए हैं गुजरात के मेहसाणा में, ये जा रही है मिर्ची। कहीं पर गुजरात में जाओगे ना तो एक चीज कॉमन होती है, मैं आप बताऊँ। अच्छा, कि जो जिसके अंदर वो गांठियां निकलते हैं ना उसी के अंदर है ना मिर्ची डाल देते हैं। हाँ, ये तो हर जगह होता है, सब जगह ऐसा है, पर मेरा थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है ना मिर्ची के अंदर रहे तो मिर्ची की वजह से ना ऑयल है ना खराब हो जाता है, ऑयल खराब हो जाता है, थोड़ा सा काला पड़ जाता है, मतलब। ये नई बात जानने को मिली आज हमें। और देखो ना मेरा ऑयल भी है ना एकदम साफ सुथरा ही होगा। हाँ, एकदम क्लीन, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही डालता रहता है। सारी चीजें लाइव रहती है, जैसे मिर्ची है, फिर ये गांठिया, ऐसा नहीं है कि बना हुआ रखा हुआ आपको दे देता है। मेरा सब डिफरेंट है, पूरे पूरे मेहसाणा में जाओगे या पूरे गुजरात में जाओगे ना तो मेरा टेस्ट सबसे डिफरेंट अलग है। अच्छा, चटनी का भी और ये सम्भारा मेरा सबसे अलग है, मतलब सारी चीजें ट्राई करेंगे, उसके बाद ही हम बताएंगे टेस्ट कैसा। हाँ, वो सही है। ये बन रही है आपके लिए, लसन की कोई चीज नहीं है। ये रहा, तो ये हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है, चलिए ट्राई कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि कितना बढ़िया है दिखने में। तो भाई मजा आ गया। तो ये हमारा गांठिया, मिर्चा, ये चटनी और संभारा, चलिए ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको।
एकदम बाप सर सारी चीजें बहुत, मेरे को तो बहुत पसंद आया। गाठिया के बारे में तो ज्यादा कुछ बोलना नहीं होता है, अपने है काठियावाड़ी और गाठिया तो हर जगह का अपने को पसंद है। चटनी ट्राई कर लेते, चटनी अलग है। गाठिया खाने से जो फ्रेशनेस पता चलती है ना मुंह में, वो एकदम परफेक्ट है, एकदम डिसेंट टेस्ट वगैरह सारा कुछ बढ़िया। ये लोकेशन ऐसा है जैसे ये अहमदाबाद मेहसाना हाईवे मेन हाईवे है, एग्जैक्ट जो मैकडोनाल्ड है या नेक्सा का शोरूम है उसके सामने मेरा रहता है, सामने सौराष्ट्र गाठिया काम चल रहा है ना, थोड़ा सा आगे खिसक जाता है ये वाला।